स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सर आप नहीं तो बोलते हैं एंटरटेन करता इनको, हाँ हो गया, अब एंटरटेनमेंट हो गया। सर वो तो बोल दो, अब तेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्लासेस बाद में भी सुन सकता है इस चीज ज्वाइन आवर क्लासेस प्लीज गिव अस 10,000 रुपीस पर मंथ एंड ईमेल लेटर्स से हकीकत में 1,000 रुपए में क्लास हो रही है, आ रहा है तो आ जाओ, मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे एमएससी क्लास से ढूंढ कर। ओके, तेरे मेरी प्रमोशन कर दी भाई। सर ये लास्ट क्वेश्चन है ना सर, अर्श मैसेज कर रहा, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बुरे हाल हो गए। सिक्स कॉमा माइनस सिक्स, यार देखो रिकॉर्डिंग इज ऑन सर, अगला बात हम थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा किसी को। हाँ ये तो करा दिया आप, ये कहाँ करवाया भाई, आपने बता अभी करना है हमने, जल्दी चाहिए टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा अगर मैं करवाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस OA निकाल देते हैं, आपको पता है आपको लास्ट क्लास में समझा दिया कि निकालेंगे कैसे, पहले OA और OB को इक्वेट करेंगे, दोनों रेडियस है, यहाँ से एक इक्वेशन बनी आएगी। तो OA और OB, OA का जल्दी से बताइए क्या बनेगा, OA का बनेगा x माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस y प्लस सिक्स होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, this is my x1, this is y1, this is x2, this is y2, सॉरी यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से ये पॉइंट्स गलत पड़ गए, ये मेरा x2, ये y2, ये x1 लिया है, y1 लिया, तभी तो ये बना x2 minus x1, ठीक है, y2 minus y1, y2, फिर यहाँ पे इक्वल टू OB, OB क्या आ जाएगा मेरा, OB आएगा मेरा 3, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगा, x minus 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस सेवन, क्या बन जाएगा सर आ गया सेवन होल स्क्वायर। ओके तो क्या है आंसर, थ्री कॉमा माइनस टू। ओके तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कॉमा फोर भी था, ट्वेल्व एक्स प्लस 36, ठीक है, कहाँ पे था फोर, आंसर बता दो, मेरा तो ये आ रहा है थ्री, तो चलो मेरा गया तेरा टू, थ्री कॉमा माइनस टू इज द आंसर, राइट आंसर y प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू, देखते जाइए जल्दी से, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 7 टू जो 14y, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे a माइनस b एंड a प्लस b का जो फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जहां पे a माइनस b का लग रहा है इधर, a प्लस b का इधर, a माइनस b का इधर, a प्लस b का इधर, प्लस 14y प्लस 49। तो जल्दी से देखिएगा यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल भी हो जाएगा, देखो इस रूट से ये ऐसे डायरेक्टली हम कैंसिल नहीं करते, अगर हमने अच्छे से करना है तो हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, फिर वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली भी कर लू अगर करना है तो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है जल्दी से कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, माइनस 12x प्लस 36 यहाँ पे है, 36 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12y इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 9 प्लस 49, 58, फिर 9 और 49 क्या हो गया 58, और प्लस 14y ये बचा बस, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो माइनस 12x है यहाँ पे, 6x माइनस का है इधर आके, प्लस का 6x हो जाएगा, यहाँ पे 72 है इधर आके, ये 58 भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 12y है यहाँ से, ये इधर लेफ्ट साइड आके 14y भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू बचेगा जीरो, बिकॉज सारे की सारी राइट साइड से हमने टर्म्स लेफ्ट साइड में ले ली, तो यहाँ पे माइनस 12x प्लस 6x, माइनस 6x बचेगा, प्लस 72 माइनस 58, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 5 1, 14 बच गया, प्लस 12y माइनस 14y माइनस 2y बनेगा, क्या बनेगा माइनस 2 y equals to 0, तो यहाँ पे minus 6x minus 2y equals to minus 14,
माइनस अगर हम कॉमन ले ली तो ये बनेगा 3x माइनस प्लस वाई, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया और साथ में कॉमन क्या ले लिया 2 इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो लास्ट में हमारे पास आएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे किससे, यहाँ पे ये वाला OB और OC को इक्वेट करके। तो इस इक्वेशन को हम सिर्फ इस इक्वेशन को रखेंगे, बाकी हम सारा का सारा इरेज कर देंगे। तो जल्दी से देखिए, हम इसको यहां से उड़ा देते हैं। भाई है मेरे साथ अभी कि कहीं घूमने तो नहीं निकल गए? फिर इतनी बारिश में कहीं जाएंगे घूमने? बारिश लगी है? यस सर। इक्वेशन याद रखना जरा क्या थी। थ्री एक्स प्लस क्या था? प्लस टू के साथ कुछ और भी था, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये थी इक्वेशन, ठीक है। अभी अभी की हमने तो भूल गया है सर, मैं भी यही बोल रहा था। अच्छा चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। बोले ओके नेक्स्ट देखो, यहाँ पे OB इक्वल्स टू OC हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x माइनस 3 OB इक्वल्स टू OC होगा बिकॉज रेडियस है। तो यहाँ पे ये बनेगा x माइनस 3, ये मेरा x2 y2 है, ये मैंने ले लिया x1 y1, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 7 मतलब प्लस 7 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बनेगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या बनेगा हमारे पास, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये वाला तो हमने सॉल्व भी किया था, OB ये क्या आया था हमारे पास, चलो हम सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर, मैं ऑपरेट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या ऑपरेशन, a प्लस b होल स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 7 2 14y प्लस 49 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर देखें तो सेम ही बनेगा, x square minus 6x प्लस 9 और यहाँ पे y square minus 6y प्लस 9, इस तरह से बनेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद ये कट जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट, फिर उसके बाद जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो जल्दी से करते हैं, यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x से माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हम नीचे लिख लेंगे, 9 देखो यहाँ पे 9 and 49, ये 58 हो जाएगा दोबारा से, 9 और 49, फिर बचा क्या, प्लस 14y इक्वल्स टू यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 18 माइनस 6y, तो क्या बनेगा, 58 माइनस 18 इक्वल्स टू, 58 माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस 6y माइनस 14y, तो कितना बचेगा, 8y ये प्लस हो जाएगी, दोनों माइनस के, तो ये बनेगा 20y माइनस 20 इक्वल्स टू, इधर कितना बनेगा बेटा, 40, तो y बन जाएगा माइनस 2, y आ गया माइनस 2 और जल्दी से माइनस 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, ये बन जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 3, तो पॉइंट आ गए, पॉइंट आगे 3, -2, तो ये आगे आपके सेंटर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ सेंटर
क्या कर सकते, नींद आ ही जाती है सुबह से उठे होते हैं। हाँ मैं तो लेटा होता हूँ सुबह से लेके, है ना। अरे अगर ये भी हो जाए, ये भी बहुत हो जाएगा अगर ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है इसके, ऑप्शनल एक्सरसाइज है यार, मजाक थोड़ी ना है सर। अगर ऑप्शनल आ गई तो मतलब आईडिया आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या समझ आया तुझे, क्या बात की तूने। आईडिया आ गई क्या, सारी बुक्स आ गई। और सर अगर आईडिया आ गई तो ऑप्शनल आ गई। अगर आईडिया आ गई तो सब कुछ आ गया, ऑप्शनल आ गई तो आईडिया आ गई, ठीक है। चलो और सब कुछ आ गया तो आईडी भी आ गई ना। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यार नेक्स्ट, ना बकवास बंद करो प्लीज। अर्श आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो क्या? ओके यस, सिर्फ यस करता है लड़का, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसका बस एक ही बहाना है, सिग्नल नहीं है। चलो मैं करता हूँ पापा से बात कि सिग्नल का कुछ किया जाए, पर ऐसा चलता है वो नेट लगाओ, ठीक है, करता हूँ कुछ यार, है ना। नेट प्लस, नेट प्लस। मुझे 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 क्या पता यार, मुझे क्या पता कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ना इसका रिप्लाई है, इसका बस एक ही हुआ कि मेरा नेट नहीं चलता बस। चलो भाई क्वेश्चन नंबर, द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर, वो बंद करो, कौन बोल रहा है ये, -1, 2 एंड 3, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू पॉइंट्स। तो हमारे पास एक स्क्वायर दिया है, ये हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इस स्क्वायर की दो वर्टिसेस हम ले लेते हैं, एक मान लो ये वाली दी है पॉइंट ए, ये दिया है हमारे पास -1, 2। ध्यान से देखना, दिस इज अगेन 5-star क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार। तू बेटा रात को बिस्तर के नीचे बातें नहीं कर रहा जिस तरह से तू बातें कर रहा है, ढंग से बात कर, म्यूट कर दूंगा तुझे। फाइव स्टार तो GTA 5 में आते हैं। ए इक्वल्स टू -1, 2, बी हमारा यहाँ पे होगा, ये हम रहने देते हैं, सी के पॉइंट्स हमारे पास 3, 2, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे ऑपोजिट वर्टिसेस के दो पॉइंट्स दिए गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ए और सी ले लिया हमने, बी के हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें बोला था ऑपोजिट वर्टिसेस के ये पॉइंट्स है, तो बी पॉइंट हम अपने से ले लेते हैं, मान लो दिस इज x, y। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, एक तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यहाँ जो पॉइंट है, और एक हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये देखो, दिस इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारे की सारी साइड्स, मेरी आवाज आपको आ रही है, सारे की सारी साइड जो है वो सेम होती है, तो दिस इज अ स्क्वायर, इट मींस दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखना भूल दिया, दैट इज पॉइंट डी, तो यहाँ पे ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आपस में बराबर हो गए, तो अगर ये बराबर हो गए तो हम कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सर मेरे को आता है सब, ए बी इक्वल टू बी सी कर देंगे ना सर, जिसमें ए और सी की वैल्यू दी है बी की, तो सेम है ये, तब हो जाएगा। बी सी को हम इक्वेट करके यहाँ से क्या होगा कि ए बी के जो आपके पास रेशियो होगा, डिस्टेंस होगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, ये भी रूट में होगा, ये भी रूट में होगा, फिर स्क्वेयरिंग करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, या फिर किसी एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे सुनना पड़ेगा, तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। उसके आगे का भी बताऊं, सेम हम ए डी और सी डी,
सीडी में करेंगे दोनों की आ जाएगी वैल्यू। जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एडी और सीडी में आप कैसे करोगे, बिकॉज वहां पे डबल आपको पड़ जाएगा। यहाँ पे वो तब होगा ना, एक बात सुनिए मेरी, कि अगर हम ये इक्वेट कर रहे हैं और हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज आ जाए तो ठीक है, फिर आप इधर को लगा दो वही चीज। बट अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू नहीं आई तो हमें कुछ और भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप चुप होके प्लीज सुनिएगा, जहां पे पूछा जाएगा वहां बोलिए ना। तो यहाँ पे ए बी का हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, ए बी का डिस्टेंस क्या जाएगा, एक्स माइनस माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। फिर यहां पे हम बीसी का निकाल देते हैं, बीसी का हमारे पास क्या जाएगा, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर रूट आपके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा इसको करें विदाउट एक स्टेप किए तो ये बनेगा आपका एक्स प्लस वन, क्या बनेगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो x प्लस वन होल स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ब्रैकेट भी सही करिए, ये अगले स्टेप में होगा, मैंने यहीं पे कर दिया। तो x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर। यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होता है यहाँ पे माइनस फोर वाई से माइनस फोर वाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो जो बचा उसको लिख लेंगे टू एक्स प्लस फाइव, क्या बनेगा ये टू एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस वन प्लस फोर होता है फाइव इक्वल्स टू माइनस सिक्स वाई, और माइनस सिक्स वाई के बाद नाइन एंड फोर बच गया तो ये बन जाएगा थर्टीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस 6y है, ये 6y है या 6x है, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 6x होना चाहिए था भाई, सो गए सबके सब, इतना तो दिख जाएगा हैं, तो दिखा नहीं है क्या, 6y लिख लिया था x की जगह, मैं अपना कर रहा हूँ कुछ। तो यहाँ पे आपका 6x होगा, तो ये बनेगा आपका y की जगह यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू 13 माइनस फाइव, एट एक्स इक्वल्स टू एट, एक्स इक्वल्स टू वन। तो x तो निकल के आ गया, अभी y बच गया। अभी y निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से इसको अगर हम जोड़ दें ऐसे, तो और आपको ये भी पता है कि इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर में इसमें ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब हम चले गए पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे, उससे हम वाई निकाल देंगे। ठीक है, एक्स हमारे पास आ गया, यहां तक समझ आया कि नहीं आया जल्दी से बोलिए, एक्स की वैल्यू वन पता लगा कि नहीं लगा, आ गया सानी भाई, यार देख तू तो रूठ गया मेरे साथ है, बोलना बंद कर दिया, चल आराम से ही बोल दे, पर बोल दे, क्या हुआ सर? अरे भाई सानिध्य कहाँ चला गया, उसको बोलने के लिए ना कर दिया, वो बोलना बंद कर गया, रूठ गया सर आपसे, रूठ गया ना मेरे से, चलो इसके लिए सोचेगी कुछ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाइस शॉट सर, ओपी। अर्श
ये क्या कर रहा है भाई तू मानव खाना रिक्वेस्टिंग व्हाट? गलती से हो गया सर, गलती से। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो x की वैल्यू हम लिख लेंगे, x इक्वल्स टू 1 आ गई थी। अब हम यहाँ से करेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ए बी और बी सी हमारा सेम है, बिकॉज ए बी एंड बी सी आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, बिकॉज हमारा जो ए बी और बी सी है वो आपस में इक्वल है, तो हम क्यों अपना काम बढ़ाए, ए बी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी सी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को ए बी लिख लिया। अब लिख लेंगे टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अगर ये स्टेप नहीं समझ आया तो मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बिल्कुल आ गया सर, आ गया। यहाँ पे 2ab square equals to ac square, तो यहाँ पे हमारे पास 2 into ab square, ab square का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square equals to AC square का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जब हम निकालेंगे AC square का, तो 3 माइनस 1, देखो 3 माइनस माइनस 1, तो ये बनेगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x2 माइनस x1 वाला प्लस y2, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 equals to 3 plus 1, 4 square equals to 16 plus 0. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे एक चीज और है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट तो हमारा कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा 2 into x square plus 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 16, और 2 8 से कितना होता है 16, आपको क्लियरली दिख रहा है। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे जहां जहां x दिया है, कहां से पुट करेंगे, जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली, यहां पे जो x की वैल्यू हमने 1 निकाली वो यहां पे पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे करते हैं ऊपर, 1 स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 8। कहीं पे हमने गलती तो नहीं कर दी जल्दी जल्दी में, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 8, बिल्कुल सही चले हम। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 8 और 7, यहाँ पे y की वैल्यू निकालने हमें डिफिकल्ट हो जाएगी, हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, जल्दी से देखिए उस मिस्टेक को, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस 1, देखो यहाँ पे हमने 1 को लिखना छोड़ दिया था, तो प्लस 1 भी था यहाँ पे, ठीक है प्लस 1 था, तो प्लस 1 ये वाला 1 हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, ये लिखना छोड़ दिया था तो हमने लिख लिया, तो ये 7 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एक 1 और होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 8। अब ये सॉल्व हो सकता है बिकॉज एक साइड 0 बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आइदर y इक्वल टू 0
और y माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो y तो जीरो आ गया और y की वैल्यू आ गई फोर, तो y की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक जीरो एक आ गई फोर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। ये नहीं समझ, ये क्या किया? अच्छा x की वैल्यू पुट कर दी आपने, ठीक है ठीक है। हाँ, x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इस पॉइंट पे। जल्दी से देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सानिध्य, तू कहीं फायदा तो नहीं उठा रहा मेरे उसका, जो मैंने बोला कि बात मत कर, अब मजे से लेटा हुआ हो। ओके, सो y इज इक्वल टू 4। सर बोल रहा है कुछ नहीं था। क्या बोल रहा है भाई? मेरे को बोलता बोलता कि बोल दे सर को कि आ गया समझ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नाराज हो गया सर अब तो पक्का आपसे। अरे हद कर रहे यार आप, मैं इसको पर्सनली जाके वो करूंगा। सर डी, वो डी भी तो ऐसे निकालना है। कौन सा डी? डी के पॉइंट्स भी तो निकालने हैं। अच्छा अभी देखो, एक मैं चीज बता रहा था आपको, अब आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की 0 है और y की 4 है। y की दो वैल्यूज आ गई सबसे पहले, बाकी हम निकाल देते हैं यहाँ से और हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं एक स्क्वायर प्रिपेयर करूं पॉइंट्स को दिखा के, यहाँ पे मैं सबसे पहले बना लेता हूं एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, बना दिया। अब इसको बनाने के बाद इस पे मैं पॉइंट्स शो करता हूं जितने मेरे पास आए। देखिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगा और ये होगा मेरे पास वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना कि पहला पॉइंट था माइनस वन कॉमा टू, तो माइनस वन यहाँ पे आएगा, टू कहाँ पे आएगा, ये मेरा होगा माइनस टू, तो ये बनेगा माइनस वन कॉमा टू। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है थ्री कॉमा टू, तो वन टू थ्री, थ्री कॉमा टू यहाँ पे आ जाएगा, थ्री कॉमा टू इधर जैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थ्री कॉमा टू, तो थ्री कॉमा टू भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, थ्री कॉमा टू में साथ में आपको पॉइंट भी लिखना है, दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट सी, ये सी है और ये ए है, तो इसके बाद हम पॉइंट बी भी शो कर सकते हैं। बी में क्या आया, एक्स आया है वन और वाई आया है जीरो या फिर फोर, तो हम इनमें से किसी एक पॉइंट को ले लेंगे। तो हम ले लेंगे कि मान लो वन और फोर आया है, ठीक है, वन और फोर या वन और जीरो कुछ भी, अगर हम वन और जीरो ले लेते हैं, वन और फोर ले लेते हैं, तो वन यहाँ पे है और फोर कहाँ पे आएगा, थ्री एंड फोर, तो इधर आएगा कहीं, वन एंड फोर इधर जैसे, वन एंड फोर, दिस इज पॉइंट बी, तो ए को हम बी के साथ मिलाएंगे, फिर यहां से सी के साथ, इतना हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। अब आपको ये भी पता है कि जो स्क्वायर होते हैं उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, यहां से अगर देखें हम तो यहां से यहां तक तो कितना है, वन वन यूनिट, फिर यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक यूनिट और बढ़ जाएगा यहां तक, फिर हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे फिर एक यूनिट बढ़ जाएंगे, कितने यूनिट हो गए, तीन, और यहां से आगे एक यूनिट और बढ़ जाएंगे, फिर हम यूनिट में कितने पहुंचेंगे, चार यूनिट, मतलब जो इसका डायगोनल है वो फोर यूनिट्स है, तो ऊपर से भी कितना, ये वाला डायगोनल भी कितना होगा, फोर यूनिट, तो फोर यूनिट कहाँ पे, यहाँ पे होगा फोर यूनिट। फिर से समझाना, फिर से समझाना। देखो एक यूनिट डायगोनल का यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, डायगोनल की जो लेंथ है वो फोर यूनिट्स है, तो इधर से भी इस वाले डायगोनल की भी फोर यूनिट होगी, तो कैसे होगी, हो यहाँ पे फोर है तो
एक यहां तक दो तीन और चार, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे आपका स्क्वायर बनेगा और इसके जो पॉइंट्स होंगे वो होगा 1.0. ये तो हो गया हमारा देसी तरीका. ठीक है, और अगर हम इसको मतलब सॉल्व करके करें तो सर, हम कैसे करें? अगर सॉल्व करें तो वैसे ही करना है जैसे बी का निकाल लेते हैं. नहीं, फिर ये लेंथ ही बहुत हो जाएगा यार. हो सकता है वैसे तो सर वैसे ही कर लेंगे. सर वैसे ही कर लेंगे. क्यों बता दो क्यों रहे तू? अभी तो सिर्फ दो क्लासे हुई, सोचो तो. जब पांच क्लासे होगी दिन में मैथ्स की. नहीं 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 सर, पांच क्लासेस बहुत हो जाएगी सर. अच्छा अच्छा ठीक है, बीवी बच्चे संभाल ले. चलो भाई देखो हम क्या करेंगे. यहाँ पे आपको पता है जो डायगनल्स है, जो क्या है डायगनल्स, डायगनल्स किसके, स्क्वायर के, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं. जैसे हमने कल एक क्वेश्चन में किया, जो क्वेश्चन किसका था, पैरेललोग्राम का, जिसमें हमने देखा कि बाइसेक्ट सर मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट होगा ये दोनों का सेम होगा. तो पहले हम इधर से निकालेंगे एसी से मिड पॉइंट. एसी का मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी. क्यों, मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी इसलिए होगा बिकॉज डायगनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इनका जो पॉइंट होता है वो सेम पॉइंट पे होता है, इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं. तो मिड पॉइंट इसका निकाल देंगे हम एसी का, वो आ जाएगा 3. देखो क्या होता है, फॉर्मूला भी देख लो दोबारा से, भूल गए होगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. ये एसी का निकल जाएगा और उसी तरह x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इससे बीडी का निकल जाएगा. तो यहाँ पे x1 हमारा ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है. तो जल्दी से यहाँ पुट कर दीजिएगा, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इक्वल्स टू x1 प्लस x2. x1 प्लस x2, यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लिया, तो यहाँ पे हम मान लो x1 y1 ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या बनेगा, x1 ये ले लिया मैंने, x1 y1 सॉरी यहाँ, अच्छा ये कॉमा है, x1 y1 ये ले लिया मैंने, x2 y2. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि x1 कितना है x प्लस x2 कितना है x1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2. तो इस तरह से पॉइंट्स आ गए. तो 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 2 कॉमा 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू x1 x प्लस 1.0 आ गया. तो 2 1.2 इक्वल्स टू एक्स प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2. जल्दी से करिए, लेस देन 1 मिनट. तो इस वाले को हमने इक्वेट कर देना है इसके बराबर और इस वाले को इसके बराबर. तो हम कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू तो दी है, तो एक्स की हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, कितने दी है, 1. तो 1.0 आ रहे हैं. देखो ध्यान से, x प्लस x1% डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, x1 इक्वल्स टू 1. जब हम दूसरे वाला करेंगे ये वाला, तो y1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा 4. y प्लस y1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू y की, देखो y की वैल्यू 2 थी, 4 माइनस 4, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे प्लस y1 इक्वल्स टू 4, तो y1 आ जाएगा 4, और y की वैल्यू अगर 4 रखेंगे 4 प्लस y